नमस्कार। मैं किसी भी प्रकार का, किसी भी धर्म के मानने वाले को किसी प्रकार का ठेस पहुंचाने का मेरा उद्देश्य नहीं है। सिर्फ ये जो श्रीमद् भगवद गीता है, गीता पाठ है, जिसको मैंने अपने दृष्टिकोण से जो समझा, वो बस उसके बारे में थोड़ा सा बताने की जानकारी रखना चाह रहा हूँ आपके सामने। मुझे कोई संस्कृत का ज्ञान नहीं है, कोई मैं विद्वान व्यक्ति नहीं हूँ। सिर्फ जो मुझे समझ में आया वो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ। मैं आज से 10, 12, 15 साल पहले लगभग, मुझे भी कई लोग बोलते थे कि गीता पढ़िए, गीता ये वो, गीता में ज्ञान का भंडार भरा है। मैं गीता पढ़ता था, मुझे गीता समझ में नहीं आती थी। बहुत सारे लोगों से बोलते भी सुना, गीता संस्कृत हमको नहीं आता तो हम गीता कैसे पढ़ें, कौन सी गीता पढ़ें, बहुत प्रकार की गीता होती है। कई लोग टीका करते हैं, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया भी था आपको। तो मेरी भी समस्या थी बहुत, मैं भी पढ़ा गीता, कई बार उठा उठा के पढ़ा, समझ ही में नहीं आता था कि बोलना क्या चाहते हैं। कहानी सब पता थी कि कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान सुनाया वगैरह वगैरह, जैसा आप सब लोग जानते हैं। फिर मेरे गुरु ने मुझे बताया कि आप गीता को इस स्टाइल में पढ़िए तो गीता आपको ज़्यादा अच्छे से, आसानी से समझ में आएगी। कलयुग में लोगों के पास, आज के वक्त में लोगों के पास पेशेंस नहीं है। वो शुरू से आखिरी तक गीता को पढ़ना पेशेंस के साथ, इतना टाइम नहीं रहता लोगों के पास, धैर्य नहीं है। तुरंत फास्ट फूड खाने वालों का जमाना है ये। तो मुझे मेरे गुरु ने ये बताया कि गीता को कैसा पढ़ना चाहिए जिस संस्कृत का ज्ञान ना होने के बावजूद आपको गीता आसानी से समझ में आएगी, वही मैं आप तक प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं शुरुआत करता हूँ जो मुझे गुरु ने बताया कि कैसे गीता सुनना चाहिए, समझना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले तो बिल्कुल आपको गीता तब तक समझ में नहीं आ सकती जब तक ईश्वर का आशीर्वाद ना हो। राम कृपा उस जन में आवे जिसमें राम ही आप बसावे, और आप गीता सीख ही नहीं सकते। तो मैं गीता का पढ़ने की जो शुरुआत जो बताया हूँ, मैं ये भगवद गीता के अध्याय 18 के श्लोक नंबर 67 शुरुआत यहाँ से करता हूँ। एक एक करके धीरे धीरे बताऊँगा, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ सुनिएगा। किसी भी प्रकार की भक्ति भावना जागृत करने की मन में जरूरत नहीं है। मेरी इस बात का प्लीज़ गलत मतलब ना निकालें। मेरे मतलब है कि अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से, अपने दिमाग से सुने कि भगवान ने क्या कहा। यह गीता किताब एक होली पवित्र किताब तो है, लेकिन शुद्ध विशुद्ध रूप से मनोविज्ञान पर आधारित किताब है। ये पूर्ण रूप से विज्ञान है। कैसे, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बताता हूं, इस गीता के 18वें अध्याय, टोटल 18 अध्याय आप तो जानते हैं, उसमें भी सबसे आखिरी वाले अध्याय का श्लोक नंबर 67 मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। संस्कृत के प्रोनाउंसिएशन मेरे गलत हो सकते हैं, इस पे ध्यान मत दीजिए। मुझे संस्कृत सिर्फ 8वीं क्लास पढ़ते तक मैंने संस्कृत पढ़ा है, उसके बाद मैंने संस्कृत बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। मैं पेशे से वकील हूँ, जैसा कि आप जानते हैं। मैंने MSc मैथ्स में किया है, उसके बाद मैं वकालत करता हूँ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में। बस इतना सा छोटा सा मेरा परिचय है। मैं सुनाता हूँ आपको जो मेन पॉइंट है, 18वें अध्याय का श्लोक नंबर 67 में भगवान ने लिखा है, इदम ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचना न चासु सुस्त्रवे वाच्यम न चमे भूयो भाष्यति, जो भी है प्रोनाउंसिएशन पे माइंड मत कीजिए। उसका अर्थ है कि तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में ना तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, ना भक्ति रहित से, और ना ही बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए। तथा तुझमें जो मुझमें दोष दृष्टि रखता हो उससे भी यह गीता नहीं कहना चाहिए। अब सवाल पैदा होता है कि इस गीता के इस श्लोक के बड़े गंभीर है। देखिए, गीता को जब आप पढ़ें तो ऐसे फटफट 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 पढ़ पढ़ के निकल गए, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही रहस्यमय ज्ञान है।
इसके एक एक शब्द पे हजारों हजारों मतलब निकलते हैं, हर व्यक्ति अपने हिसाब से अलग मतलब निकालता है। जरा ध्यान से सुनेंगे फिर श्लोक नंबर 67 का उच्चारण संस्कृत में मैं नहीं करता, आप किताब से देख लीजिएगा, मैं सिर्फ हिंदी में बताता हूं। उसमें शुरुआत लाइन में भगवान ने कहा है, तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश। देखिए भगवान ने इसे रहस्यमय उपदेश कहा है, गौर से सुनिएगा, डिटेल अपन बाद में करेंगे इसके बारे में। किसी भी काल में ना तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, ना ही भक्ति रहित से कहना चाहिए, ना ही बिना सुनने की इच्छा वाले से कहना चाहिए, और ना ही उस व्यक्ति से कहना चाहिए जो मुझ में अर्थात भगवान श्री कृष्ण में। अब भगवान श्री कृष्ण मुझ में से अर्थ भगवान में अहंकार वाली बात नहीं कि भगवान पे विश्वास ना करे, मुझ में का भी अर्थ जो भगवान ने इसमें मुझ में शब्द लगाया है इसका भी बड़ा गंभीर अर्थ है। ध्यान से सुनेंगे आपको समझ में आएगा, जो मुझ में दोष दृष्टि रखता हो उससे भी यह नहीं कहना चाहिए। देखिए मेरे गुरु ने सबसे पहले मुझे यह बताया कि ये श्लोक पढ़िए। अब बड़ा अजीब सा बात है कि वो श्लोक पढ़िए कि किसे नहीं कहना चाहिए, यह गीता रहस्यमय उपदेश किससे नहीं कहना चाहिए। तो ना से शुरुआत किया उन्होंने, नहीं कहना चाहिए। वो इस बात का बताने के लिए मेरे गुरु का अर्थ यह था कि बेटा जब तक तुझ में ये चीज मौजूद नहीं होगी तुझे गीता समझ में आ ही नहीं सकती, चाहे तू हजार बार पढ़ ले। क्योंकि भगवान बोलते हैं कि ये कहना ही नहीं चाहिए इनको, अगर तुम कह भी दोगे, किन किन व्यक्ति को, जो कि किसी ने जो तप रहित ना हो, तप रहित हो, तप रहित मतलब जो मेहनत करना जानता हो, तपस्या से मतलब ये नहीं कि बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे जंगल में चले गए, तप मतलब मेहनत, गंभीर से जा करके उसको दृष्टि से जा करके गंभीरता से अध्ययन करने की, उसकी एनालिटिक विश्लेषणात्मक अध्ययन, एनालिटिक स्टडी ना करना जानता हो उसे गीता समझ में आ ही नहीं सकती, चाहे तू कितनों भी सुना ले। पहली चीज, तप रहित मनुष्य से नहीं कहना चाहिए। दूसरा, बिना सुनने की इच्छा वाले से नहीं कहना चाहिए। जो व्यक्ति कोई चीज सुनना ही नहीं चाहता, जिसका मन नहीं लगता उस चीज में, आप उसको भैंस के सामने बीन बजाए जैसी स्थिति है, आप सुना भी दोगे तो उसको समझ में तो आने वाला है नहीं। तीसरा बिना सुनने की इच्छा वाले से, और चौथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता हो। अब मुझ में का अर्थ बहुत सारे गंभीर अर्थ हैं। पहली चीज ये है, मुझ में का मतलब, अब भगवान कृष्ण ने बोला तो आप लकीर के फकीर टाइप अगर ये सोचने लगे कि भगवान कृष्ण ये बोल रहे हैं कि जो भगवान मुझ में मतलब भगवान कृष्ण बोल रहे हैं मुझे अपने आप में, मतलब भगवान कृष्ण खुद अपने आप को बोल रहे हैं कि मुझ में दोष दृष्टि, मतलब भगवान कृष्ण में जो दोष दृष्टि रखता हो उसे नहीं कहना चाहिए। यहां पर मुझ में का अर्थ एक और हो सकता है, मैं अगर बोल रहा हूं तो आप अगर मुझ में दोष दृष्टि रखेंगे तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। तीसरे अर्थ में आप अपने गुरु पर दोष दृष्टि रखेंगे तो अगर आप गुरु के देने वाले ज्ञान पर क्वेश्चन मार्क लगाए, बहुत लोगों की मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी होती है, वो अपना कटोरा भर के लाते हैं, अब बोलते हैं गुरु इसमें ज्ञान डाले कहां से, तुम तो पहले ही बना करके आते हो, शुरू से ये सोच के आते हो कि मुझे ये क्रॉस क्वेश्चन करना है अपने गुरु की। अरे पहले उसको सुन लो, समझ लो, पहले पूरी इसकी बात सुन लो, उसके बाद उससे प्रश्न करो। अपन की खास आदत है, और आजकल के जनरेशन में मैं बिल्कुल देख रहा हूँ कि वो पहले से सोच करके आते हैं कि मुझे ये क्वेश्चन करना है, गुरु को डोमिनेट करना है, उसमें दोष दृष्टि रखते हैं। तो गुरु बोलो या मुझे बोलो या भगवान पे बोलो, अर्थ आप निकालते रहिए। इस श्लोक का अर्थ ये निकलता है कि अगर आपके अंदर ये चीजें मौजूद नहीं है, या यूं कहो ये चीजें मौजूद हैं, आप तपस्या नहीं करते हो, आप सुनने की इच्छा ना रखते हो, आप भक्ति ना करते हो। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप भगवान की आरती उतार रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, है ना, फूल माला चढ़ा रहे हैं, भक्ति ये नहीं है, उपवास रख रहे हैं। देखिए भक्ति के बारे में तुलसीदास जी ने बहुत ही साधारण भाषा में, इसमें भी भक्ति का वर्णन है, पूरा एक अध्याय ही भक्ति के ऊपर है, ज्ञान के ऊपर है, वो बात बताऊंगा, लेकिन बहुत ही सरल भाषा में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसका उल्लेख किया है। आप रामचरितमानस उठा करके देखेंगे कि उन्होंने भक्ति के 9 रूप बताए, 9 भक्ति। प्रथम उन्होंने जो बताया है, मुझे कुछ कुछ याद है जिस हिसाब से बताता हूं मैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, तीसरी भक्ति
गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान और चौथी भक्ति मम गण गण करज कपट तज ज्ञान, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, सस्तम सील वीरति बहुकर्मा निपट निरंतर जज्जन जज्जन धर्मा वगैरह वगैरह, ऐसे नौ भक्ति बताएं। आप इस नौ भक्ति में नौदा भक्ति के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कहीं भी तुलसीदास जी ने पूजा पाठ को भक्ति माना ही नहीं, उन्होंने कहा कि ये भक्ति है ही नहीं। प्रथम भक्ति, सबसे बड़ी भक्ति उन्होंने कहा संतन कर संगा, संतों, संत मतलब वो गेरवा वस्त्र धारण करने वाले को संत नहीं, संत एक गंभीर विषय है। आप इसको सोचिए कि कौन व्यक्ति संत हो सकता है, संत कहलाने लायक है कौन। तो प्रथम इसके बारे में अपन डिस्कस बाद में कर लेंगे, पहला अपन गीता के इस श्लोक नंबर 67 का अध्ययन कर रहे हैं। तो ये 67 श्लोक से शुरू कीजिए और उसमें देखिए कि भगवान ने क्या कहा है। तो पहले अपने गुण, अपने अंदर ये गुण जागृत कीजिए, क्रॉस क्वेश्चन मत करिए। पहले कहने, मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि आप क्रॉस क्वेश्चन करने का अधिकार ही नहीं है, पहले उस सब्जेक्ट को समझ लीजिए, सामने वाला क्या कहना चाहता है उसे सुन लीजिए, फिर आपको लगेगा कि नहीं अभी भी हमारे अंदर कुछ प्रश्न बचे हुए हैं तो उससे पूछिए। तो ये गुण जागृत कीजिए, गीता आपको तब समझ में आएगी। ये है अध्याय 18 का श्लोक नंबर 67 जिसमें भगवान ने ये कहा है। उसके बाद की बातें मैं धीरे धीरे एक एक करके बताऊंगा। आज के लिए मैं इतना ही, छोटे छोटे कैप्शन बनाता वीडियो, क्योंकि ज़्यादा बड़े लोग झेलने की क्षमता नहीं रखते, नहीं सुनना पसंद करते। बिल्कुल आधुनिक भाषा में बोलता हूँ, किसी भी प्रकार का कोई भी ज्ञानी जन ये न समझे कि मैं किसी भी प्रकार से गीता जैसे पवित्र ग्रंथ का अपमान करना चाहता हूँ या मैं किसी के ज्ञान को चैलेंज कर रहा हूँ। बिल्कुल इस प्रकार का कोई भी उपदेश मेरा नहीं है। अगर कोई को बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। जय श्री कृष्ण।